आज एक बारिश, छोटी सी बारिश बोल सकते हैं, क्योंकि एक दो तीन दिन की बारिश में इतना बड़ा नुकसान होता है। तो हमारे जो हुकूमतें हैं या हमारे जो काम करने के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी नाकामयाबी इतनी खुल के आ गई कि रामनगर जैसे इलाके में जो कॉरिडोर, एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है, मैसूर टू बेंगलोर एक्सप्रेस कॉरिडोर, तो एक दो दिन की बारिश में आज रामनगर पूरा पानी में मुब्तला हो गया। तो इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसमें करोड़ ऑफ रुपीस का घोटाला हुआ है, क्योंकि ये जो पार्लियामेंटेरियन प्रताप सिंह आके सेल्फी लेके बोला था, ये जो एक्सप्रेस हाईवे लाने के कोशिश में मई जुड़ा था, तो ये जो आज स्कैम हुआ है इसमें भी इसका ही हाथ हुआ है। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसको सीबीआई को देना बोल के मुतालबा करती है। और एक बात, रामनगर में जो अभी आज जो सैलाब के वजह से जो नुकसान हुए हैं, वहाँ पर कोई राम भक्त नज़र नहीं आ रहे। अगर वो राम भक्त होते तो रामनगर के निवासियों के ऊपर इतने हालात आए तो आके उनकी खिदमत में लगना था, लेकिन वहाँ पर खिदमत में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के 250 कैडर्स दिन रात अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जो लोगों के घरें गिर गए, जो लोगों का पानी की वजह से नुकसान हो गए, उनको पीने पानी नहीं है, आज पाक पीने का पानी नहीं मिल रहा, तो उनको पीने के पानी से लेकर छोटे छोटे बच्चों को दूध से लेकर बिस्किट से लेकर खाने का इंतजाम लेकर उनका रिहैबिलिटेशन के वर्क में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। तो SDPI ये मांग करती है, तो सरकार की जिम्मेदारी है उस इलाके के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी जिम्मेदारी है, तो वहाँ के लोगों के तायद में इमीडिएटली एक स्पेशल फंड को रिलीज करें और उनको जो भी नुकसान हुए हैं उसका भरपूर उनको मुआवजा दे। तो ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मुतालबा है। सर, हुकूमत कहीं पे भी फिरका वाराना फसादात होती है तो इमीडिएटली पहुँच के 25 लाख 50 लाख ऐसा चेक दे देती है। जहाँ रामनगर में बेघर हो गए हैं फैमिलीज, उनके लिए अब तक कोई मुआवजा नहीं पहुंचा, इसके लिए क्या आपका कमेंट है? BJP हुकूमत, खास करके हुकूमत में आने का बाद जितने भी इंसिडेंट चले हैं, ये पोलराइजेशन करने के लिए सियासत को इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं कोई मर्डर हो जाता है वहाँ जाके 25 लाख मुआवजा देते हैं, वो भी किसका? एक हिंदू नाम वाला होना है। अगर मुस्लिम या दलित का मर्डर हुआ, इंतकाल हुआ, तो वहाँ पर नहीं जाती सरकार। तो ये पूरी सरकार सिर्फ वोट के बिना पर सरकार में बैठे हुए हैं। यहाँ तो लोग आज जो पानी के सैलाब की वजह से परेशान हैं, वहाँ गए तो उनको वोट नहीं मिलते, वहाँ गए तो उनको गालियाँ मिलेंगे। अगर जहाँ पर मर्डर हो गया, जहाँ पर केस हो गया, सॉरी किसी का डेथ हो गया, वहाँ जाके मुआवजा देने से एक सिंपैथी क्रिएट होती है, हम हिंदू रक्षक हैं। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसी सियासत के ऊपर लात मारती है, थूकती है। ये सियासत करने से कहीं जाके डूब के मरो, लोगों के मेहनत मुश्किल में, लोगों के दर्द दुख में आप नहीं हैं तो किस तरीके की सरकार चला रहे हैं? तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही मुतालबा कर रहे हैं, आपको थोड़ी सी भी शर्म है तो आप रेजिग्नेशन दे के विधानसभा को विसर्जन करके डिजॉल्व करके आप घर को चले जाओ। अच्छे लोग यहाँ आएंगे, लोग चुनेंगे कौन होना है उनके रहनुमा, ऐसे सैलाब के मौके पर उनकी खिदमत करने वाले लोग कौन हैं वो लोग परखेंगे, उनको लाएंगे हुकूमत में। तो ये हमारा मुतालबा है। सर, ईश्वरप्पा के बारे में क्या राय है? अगर कुछ भी फसाद हुआ तो मुस्लिम गुंडा, मुस्लिम गुंडा, इस तरह का जुमला निकलता है। रामनगर में बहुत सारे तंजीमें काम कर रही हैं, तो इस पर इसका कुछ ये कमेंट्स नहीं आता, तो इस तरह के MLAs को क्या कहना चाहिए? देखिए, हम कोई भी एक काम के लिए घर से जब निकलते हैं, ब्रश करके, टूथ ब्रश करके, मुंह धो के, पाक सफाई होके, कपड़े पहन के निकलते हैं, जब हम इस तरीके से घर से निकलते हैं हमारे मुंह से भी उतनी ही अच्छी बातें आती हैं। ये ईश्वरप्पा का हाल ये है, कन्नड़ा में बोलते हैं हरकलुबा ईश्वरप्पा, उसका मतलब क्या, ये क्या बोल रहा है वो बात को उसके दिमाग को कनेक्शन ही नहीं रहता। ये कौन है मालूम है आपको? अभी जो एक दलित बच्ची के ऊपर रेप करके जो अरेस्ट हुआ है, इसको मैं भगवान मानता हूं बोल के स्टेटमेंट देने वाला ईश्वरप्पा, उसके बारे में हमें कमेंट करेंगे तो वो लाजिम नहीं है, उसके बातों के ऊपर हमें आना ही नहीं है, इसलिए आज घर में बैठा है वो।
पिछले भी एक इलेक्शन में हार के घर में बैठा था, इसकी इज्जत बचाए शहीद मिले टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि उन्होंने जो रेशम की उगार लाए थे वो रेशम के रेशमे सेंट्रल रेशम डेवलपमेंट बोर्ड का एक चेयरमैन बन के ये पॉलिटिकल फ्यूचर में आया था, तो उसका भी एहसान नहीं है इसको, तो उसके बारे में हमें कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हरकुल भाई ईश्वरप्पा बोले तो पूरे कर्नाटक में मशहूर है। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूदा इस बारिश के मुतासरीन के ताल्लुक से इस हुकूमत को चलाने वाली सरकार को हमारा एक प्रस्ताव नहीं बल्कि एक सवाल है कि बीजेपी सरकार मौजूदा हर पहलू से निज़ाम चलाने में नाकाम रही और बिलखसूस अभी जो बारिश आई है और उसकी वजह से जितना मुतासिर हुए हैं इसके मैनेजमेंट में टोटल फेलियर है। इसके लिए हम सवाल करते हैं और डिमांड करते हैं कि अगर आपको इस काबिल नहीं है इस निज़ाम को चलाने के तो आप इस्तीफ़ा देकर बर्खास्त हो जाइए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले दिनों में बीजेपी सरकार की करप्शन के ताल्लुक से कुछ ऐलान आए थे जिसमें 40-50% करप्शन कॉन्ट्रैक्टर्स के इश्यूज में है, वो हर फील्ड में जो है इनका करप्शन है और इसकी हद इतनी यहाँ तक पहुँच चुकी है जिसकी वजह से सारे काम के अंदर करप्शन की वजह से कमी और नाकामी हो गई है। बेंगलोर जैसा शहर जो दुनिया में सबसे आगे तरक्की याफ्ता शहर माना जाता है आईटी इंडस्ट्री में, आज उस आईटी इंडस्ट्री को मजबूरन ये कहना पड़ रहा है और डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस इंफ्रास्ट्रक्चर की नाकामी और तरक्की नहीं होने की वजह से वो यहाँ से इस बेंगलोर शहर को छोड़कर दूसरे रियासत को जाने पर मजबूर हो गए हैं। ये क्यों हो रहा है जबकि पिछले सरकारें भी और मौजूदा सरकार भी वक्तन फवक्तन ऐसे वाक़यात होते वक्त यहाँ के जो राज कर्वे बोलते हैं जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स होते हैं उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के मंसूबे बनाए गए और वो मंसूबों के तहत ये कहा गया कि ये नाले और चरंडियाँ को साफ़ किया जाए, लेकिन ये करप्शन के नतीजे में कॉन्ट्रैक्ट्स तो साइन होते हैं लेकिन काम मुकम्मल नहीं होता है। इसकी वजह से ये आज हम लोगों को देखना पड़ रहा है कि बारिश के मौसम में सैलाब के जैसा मंजर देखने को आ रहा है और यहाँ के पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में करप्शन में लगे हुए हैं, ना कि इस रियासत और इस शहर में रहने वाले बाशिंदों और यहाँ पर काम काज करने वाले ट्रेडर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट के फ़ायदे के लिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सिल्क बोर्ड से लेकर अपना इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक का जो रास्ता है उस रास्ते पर तकरीबन कई हज़ार कई लाख इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी उत्पादन जो है जिनका जो है इनकम जो है बहुत करोड़ों करोड़ों रुपए में होता है। उसकी मिसाल यह है कि एक दिन में 225 करोड़ रुपए का उनका जो है 225 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ एक दिन में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर एक दिन में 225 करोड़ रुपए का नुकसान होता है तो जाहिर सी बात है कौन सी इंडस्ट्री यहाँ रहना पसंद करेगी। इस लिहाज से हम देखते हैं कि इसके ताल्लुक से कोई इसका सुझाव या कोई इसकी तरक्की या कोई इसकी डेवलपमेंट के तहत कोई भी एक अमल पेश नहीं आ रहा है, ना कोई इसके अंदर एक प्लानिंग हो रही है। इसमें हर कोई निज़ाम चलाने वाले सरकार भी और उसको चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स भी इसी में लगे हुए हैं। यहाँ पर बेंगलोर शहर के अंदर कितने इंजीनियर्स हैं, कितने आईएएस ऑफिसर्स हैं जिसके लिए लगा गया है सरकार का पैसा का, उनको तनख्वाह दी जाती है, वो तनख्वाह किससे दी जाती है? हमारे यहाँ जो जीएसटी और सीएसटी है अगर उसका आंकड़े देखेंगे तो हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर जीएसटी कलेक्ट करने वाला रियासत कर्नाटक है। तो ये सारी आमदनी जीएसटी के नाम से जो आती है सरकार को वो यहाँ की फलाह बहबूदी तरक्की और यहाँ के ताजिर और इंडस्ट्रीज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जिम्मेदारी होती है। तो इसमें बिल्कुल नाकाम है
फेलर हो गए हैं। इनको हम कहते हैं कि बजाय ये इंडस्ट्रीज लोग जो आईटी इंडस्ट्री के लोग इस शहर बदर होकर यहाँ इस शहर को छोड़कर कोई दूसरी रियासत में जाने के बजाय हम डिमांड करते हैं कि यहाँ की जो मौजूदा हुकूमत को जो है इसको इस्तीफा देकर वो यहाँ से शहर बदर होने की डिमांड है। इस तरह से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के 7 सवाल हैं जो हम सरकार को देना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। सबसे पहला, यहाँ पर जो आउटर पेरिफेरल रिंग रोड का जो एक ढांचा बना था और एक प्लान बना था जिसके तहत 6,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना था, लेकिन आज उस मुकम्मल भी नहीं हुआ है, बल्कि काम मुकम्मल होने के बजाय उसकी रकम जो है 6,000 से हटकर 22,000 करोड़ तक चली गई है। तो ये कहाँ गया पैसा, ये पैसा किसको जाता है? वही आता है फिर कि वही 40% और 50% जो घूस लेने वाले, जो सरकार जो अभी बैठी है करप्शन लेने वाली, ये है। तो इसका ये सवाल जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, जो राज कालवे के लिए हज़ारों लाखों करोड़ रुपए का जो पैसा रिलीज़ हुआ था डेवलपमेंट के लिए, और बार बार इसके ताल्लुक से हर अखबारात में बयान आते रहे, यहाँ तक के अदालत ने भी कहा था कि बीबीएमपी को कहा था कि जो भी पेंडिंग वर्क्स हैं उसको मुकम्मल कर वो नाले और चरंडियों को साफ करने का जो ऐलान किया गया था, उसके बावजूद भी ये नहीं हुआ। उसके नतीजे में आज क्या देखते हैं कि हमारा शहर एक समंदर की हैसियत में दिख रहा है, लोग चलने के बजाय कश्तियों में सफ़र करने पर मजबूर हो गए हैं। तीसरा जो है, हम चाहते हैं, हम डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट इसके ताल्लुक से एक वाइट पेपर रिलीज़ करे, चाहे वो अपनी सरकार की हो या पिछली सरकार की, कि राज कालवे के नाम पर जितने घोटाले हुए, जितना पैसा सैंक्शन हुआ था, जितना काम हुआ, किसकी कमजोरी थी, किसकी ना हिली थी, इसका एक वाइट पेपर जारी करना है, ये हमारा डिमांड है। चौथी चीज़, 70% जो है सफ़र करने का वक्त जो होता है एक आदमी को, एक शहर से दूसरी जगह जाने के लिए सफ़र, वो सफ़र करने की जो टाइम जो कंज्यूम होता है, वक्त जो लगता है, आज बेंगलोर के अंदर 70% दुगना हो गया है। यानी कहीं सफ़र करना है 1 किलोमीटर का, जिसके अंदर हम लोगों को 5 मिनट में, अगर 10 मिनट में सफ़र करना है तो आज 70 मिनट लगते हैं। ये एक चीज़ है कि हमारी सरकार की नाहिली, इनका जो है बेतजुर्बा, और ये आपस में पैसे बटोरने की सियासत करने पर बैठे हुए हैं। पांचवी चीज़, ये कमीशन आई थी एटीआर रामस्वामी की, इसी के तहत आई थी कि उसके अंदर एनक्रोचमेंट जो हुआ था राज कालवे, यानी कि जो बड़े बड़े स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं उस पर ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया गया था। वो कब्ज़ा करने वाले आम भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बड़े बड़े रियल एस्टेट एजेंट्स भी हैं। इनकी ही सरकारों ने पैसा रिश्वत लेकर इसको हलाल बनाकर सक्रमा बनाकर दिया था। उसके ताल्लुक से एटी रामस्वामी ने पूछा था कि इसके ताल्लुक से हम लोगों को पूरा उसका खबर मिलना चाहिए और उस रिपोर्ट के ऊपर जारी होना चाहिए, ये भी इस ताल्लुक से हम डिमांड करते हैं। छठी चीज़, हमारी जो ये स्कैम जो ये मैसूर और बेंगलोर एक्सप्रेस का जो हाईवे है वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। आपको मालूम होगा 4 वे से अभी 6 वे का रास्ता बनाने के बारे में हुआ है, जिसके लिए करोड़ों रुपए उसके अंदर खर्च हुए हैं। क्या ये सही में वो खर्च हुआ? आप देख सकते हैं कि आज रामनगरम की हालत क्या है। बेंगलुरु से मैसूर को सफ़र करने के लिए जो ये लोग वादा किए थे कि ये 1.5 घंटा और 2 घंटे में सफ़र करने का, आज पूरी सड़क जो है एक नदी के शक्ल में हमको दिखने को आ रही है। तो क्या प्लानिंग थी, क्या इसके अंदर हुआ था, इसकी तहकीक हम CBI से को देने की मांग करते हैं। और सातवीं चीज़, जो प्रताप सीमा, ये जो 119 किलोमीटर दूर का जो हाईवे बना था, उस वक्त अपने आप को आकर बड़ी शान से ये कहा था कि हम जो है इस स्कीम को आगे लाए हैं बोलकर एक सेल्फी लेकर दिए थे। आज वो 119 किलोमीटर की सड़क के ऊपर क्या उनका रोल था, कितने इसके लिए अंदर इनकी करप्शन की घोटाले हुए थे, ये भी हमारे लिए एक रिपोर्ट आना ज़रूरी है। और आखिर में, चूंकि एक तो सामाजिक ज़रूरियात और यहाँ की दूसरी हर व्यवस्था के साथ साथ हमारी कम्युनिकेशन, हमारी कम्यूट की जो रास्ता जाने आने की तय करने की जो सहूलतें जो थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल फेलर होने के नतीजे में ये कहा जा सकता है कि ये सरकार जो है ये
काबिल नहीं है सरकार चलाने के लिए, और डिमांड करते हैं कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अगर गैरत है कि जो ऐलान करने के बाद हम ये काम कर रहे हैं बोलकर, तो आप इस्तीफा देकर आ जाइए, देखते हैं इलेक्शन चलाइए, आवाम तय करेंगे कि कौन इसके ताल्लुक से सही काम करने वाला है और कौन जो है इसको आगे लेकर सही मंजिल तक और हमारे शहर को अच्छी एक रोशन नुमा ये खुशहाल रियासत और खुशहाल शहर बनाने के अंदर कामयाब होता है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।